ये ऐसी धरती है, ऐसी पावन धरती है जहां पे आप बैठे हैं। ज्ञान जितना जगता है आदमी उतना विनम्र होता जाता है। आज तो ये बड़ी विचित्र बात हो गई कि झुकना कठिन हो जाता है। जितनी हमारी डिग्री बनती है, जितना हमारा पद बढ़ता है, उतनी विनम्रता घटती जाती है, इतना झुकना कम होता जाता है। तो ये ज्ञान आपके किस काम का हुआ? इसी धरती पे जब राजा प्रसन्न जीत आते हैं तो जानते हैं क्या करते हैं? राजा प्रसन्न जीत, यहाँ शायद कोई राजा नहीं बैठा है, राजा प्रसन्न जीत, राजा बिंबिसार जब भगवान के पास आते हैं तो भंते से पूछते हैं, भंते आ रहे से, भंते भगवान इस समय कहाँ है? बोले भगवान तो अपनी गंध कुटी में, आप जाइए और धीरे से सिटकिनी खटखटाइएगा, भगवान खोल देंगे। अब राजा जाता है लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि दरवाजा खटखटा रहा। राजा उसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि दरवाजा खटखटा दे भगवान। दीघन मावती महती मावती, सिटकिनी पकड़ा कहीं जोर से न बज जाए, कहीं जोर से न बज जाए। यहाँ तो ऐसे घंटी बेल बजाएंगे कि घंटी ही टूट जाए। अरे कब से घंटी बजा रहे बंते, आपको सुनाई नहीं देता। बड़ी हिम्मत करके राजा धीरे से सिटकिनी बजाता है। भगवान तो जगे हैं, स्वभाव से ही जागृत होते हैं। बुद्ध पुरुष कभी सोते नहीं, उनका शरीर विश्राम करता है, निद्रा नहीं लेते, क्योंकि निद्रा हमारे विकारों की होती है। जिसके पास विकार नहीं उसको निद्रा नहीं होगी, उसका शरीर सिर्फ विश्राम करेगा, आराम करेगा, निद्रा नहीं होगी। भगवान उठ करके दरवाजा खोल देते हैं, फिर अपने आसन पे बैठ जाते हैं। राजा कातर भाव से, गुरु के पास जाने का भी एक नियम है, नीचम संयासनम चास सर्वदा गुरु सन्निधो। गुरु के सामने हमेशा आसन नीचा हो, राजा ही क्यों ना हो, राजा ही क्यों ना हो। गुरुश्च चक्षुर्भिषेदयथेष्टासनोभवे, उनकी चक्षु के सामने जहां तक उनकी दृष्टि जाती है ऐसा आसन ना हो कि गुरु को लग जाए कि ये मुझसे ऊंचा बैठा है, या न भी लगे तो भी इससे ऊंचा नहीं होना चाहिए। हाथ जोड़ कर उनके पास जाना चाहिए। और हाथ जोड़ते हुए भगवान के पास जाता और भगवान के चरणों में गिरता और प्रणाम कैसे करता जानते? बोलिए भगवान बुद्ध की, आप सुन रहे हैं कि नहीं? बोलिए भगवान बुद्ध की, जोर से बोले भगवान बुद्ध की। हाँ, बुद्ध पुरुष की करुणा करना ही होती, दया ही होती, उनकी उनका जय नहीं होता, क्योंकि जो हारा है उसको जिताए आप, जो इलेक्शन में खड़ा है उसे जिताए, बुद्ध की करुणा होती, जो विजित संग्राम। और देखता है जब राजा भगवान बुद्ध को तो जानते हैं कैसे जाता है, कैसे प्रणाम कर। राजा है भगवतो द्विपादे सुसंपतित्वा, राजा है, राजा के सर पे ताज लगता है, अपना मुकुट पहले ही उतार गया है, ताज पहले ही उतार गया है। भगवतो द्विपादे सुसंपतित्वा, उनके चरणों में दोनों जो पैर है दाहिना बाया अपना सर रख देता है। मुखेन परिचुंबन्तो पाणिनिच परिसंवहा, भगवान के चरणों में अपना ये सर रख देता राजा। और इतना ही नहीं, मुखेन परिचुंबन्तो, मुख से पैरों को चूमता है, पाणिनिच परिसंवहाति, हाथ और पांव को दबाने लगता है। भगवान पूछे लेते किम तुम्पन महाराज, अरे राजन क्या हो गया आपको, आप तो राजा हैं। किम पंतम महाराज अथवस्य संपस्य मानो इमस्मिन शरीरे एवं परमं निपच्चकार, आपको हुआ क्या? आप तो राजा हैं, हो क्या? आप प्रणाम कर रहे हैं, सर दे रहे हैं,
पैरों को चूम रहे हैं। तो राजन उत्तर देते, भगवान मेरे प्रणाम करने के पीछे विशेष कारण, अतिखो में भन्ति भगवतो धम्मन्वयो। भगवान आपके धर्म से मेरी श्रद्धा है। क्या है? आपके धर्म से मेरी श्रद्धा है। अन्वय का अर्थ होता है जैसे दूध और जल बना हुआ है, अलग नहीं होता। दूध और जल एक में मिला दीजिए, अलग करना आपके लिए आसान होगा? नहीं, ऐसे सामान्य तरीके से आप उसे अलग नहीं कर सकते। उसे नष्ट करके ही अलग किया जा सकता। स्कंद के विलीन होने पे ही आप व्यक्ति की श्रद्धा को नष्ट कर पाए, तभी आप समझे कि आपकी विशेष श्रद्धा है। श्रद्धा का भी अपनी पहचान है। दर्शन कामो शील वतन सद्धम सो तुम इच्छति विनय विच्छेर मलंग सवे सद्धोति उच्यति। जो शीलवानों का दर्शन करना चाहता है, शीलवानों का दर्शन जो करना चाहता, कौन कौन है जिसके मन में ऐसा जगता है कि मैं शीलवान का दर्शन कर लूं, आज दर्शन कर लूं तो मैं धन्य हो जाऊं? किसी के मन में ऐसा जगता है? श्रद्धावान की पहचान है दर्शन कामो शीलवतम सद्धर्म सो तुम इच्छति। जो सद्धर्म सुनने की इच्छा रखता है, विनय मच्छेर मलम, जो भगवान का शील सदाचार है, जो विनय है, उसमें जरा सा भी लापरवाही नहीं करता, सभी सद्धोति इच्छति, वही श्रद्धावान। भगवान के पैरों को दबा रहा है, हाथों को दबा रहा है, मुख से चूम रहा है, अपना नाम बता रहा है। राजा हम बनते पसीन दी कोशल, मैं राजा हूं। उस समय जब कोई अपना परिचय देता था, विशेष श्रद्धा आदर व्यक्त करता था, तो अपना नाम तीन बार बताता था। राजा भी बताता, राजा हम बनते पसीन दी कोशल, राजा हम बनते पसीन दी कोशल, राजा हम बनते कौशल का राजा प्रसेनजीत। आपके धर्म से विशेष श्रद्धा है। होती भगवान सम्मा संबुद्ध, भगवान सम्यक संबुद्ध है। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, भगवान का जो संग है वो सुप्रतिपन्न है, अच्छे मार्ग पे चल रहा है। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण क्या है? भगवान मैंने देखा है, एक बार मैं अपने राज्य कारण से वेश बदल करके नगर में घूम रहा था, दिन भर घूमा, रात्रि हो गई तो एक धर्मशाला में रुका। मेरे साथ मेरे दो आमात्य थे, और जब धर्मशाला में रुका तो मेरा आसन लग गया, मैं विश्राम करने लगा। ये मेरे दो आमात्य रात भर भगवान के वचनों की चर्चा करते रहे, बुद्ध के वचनों की चर्चा करते रहे। और जब सोने का समय हो गया तो जिधर भगवान जेतवन में है उधर सर करते, जिधर मैं हूं उधर पैर करके सो जाते। ये देख के मुझे बड़ा आश्चर्य, गुस्सा भी आया, आश्चर्य भी हुआ कि कितने अद्भुत हैं श्रमण गौतम। ये दोनों मेरे आमात्य, जिनके घर का सारा खर्चा मेरी वजह से चलता है, इनके घर में वेतन भी मेरी वजह से जाता है, इनका सारा वैभव मेरी वजह से है। मैं इन्हें जब चाहूं कोई भी सजा दे सकता हूं, लेकिन फिर भी इन्हें इसका भान नहीं, इसका भय नहीं, ये मेरी तरफ पैर करके सोते हैं, भगवान की तरफ। अभी भगवान है भी नहीं, जिस दिशा में रहते हैं उधर सर करके सोते हैं। अति कुरुण बनते भगवतो धम्मन्वयो, मैंने तो उनसे सीखा कि श्रद्धा क्या होती। अरे भगवान, एक बार मैं जब आया जेतवना में, मैंने देखा हजारों का संग बैठा है, भगवान उपदेश कर रहे हैं, और हजारों के बीच में एक भंते को खांसी आने लगी। अब खांसी आना तो स्वाभाविक है, किसी को कभी भी आ सकती। एक भंते को खांसी आने लगी, खांव खांव करने लगा, तो मैंने देखा कि शांति थी, भगवान उपदेश कर रहे हैं। बीच में वो खांसने लगा तो बगल वाला बनते ऐसे ही हाथ से उसके पांव पे दबा के कहता है,
अरे देखते नहीं भगवान उपदेश करें और तुम बीच में खाओ खाओ लगा रहे। ऐसे ही हाथ रख के दबाते ही संकेत करते ही उसने अपनी खांसी को रोक लिया, दोबारा खांसा नहीं। कितनी भी उसे खांसी आती रही उसने खांसी को रोक लिया। तो मैंने देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आदंडेन असत्थे नाथो दमतिदा, कि बिना दंड से बिना शस्त्र से मैं राज्यकारण में बैठता हूँ, राज्यसभा में बैठता हूँ, दरबार में बैठता हूँ, तो मैं बार बार जब फैसला सुनाने जाता हूँ, सुनता हूँ उनकी दलीलें, तो कहता हूँ कि आप लोग बीच में न बोले, इंटरप्ट न करें, बीच में बात ना डाले, लेकिन कोई ना कोई टपाक से उसमें बोल ही देता है, उसे भय नहीं लगता। मैं चाहूँ तो कोई भी सजा दे सकता हूँ, मना करने के बाद भी कोई ना कोई टपाक से बोल देता है। और यहाँ भगवान न कोई शस्त्र लगते हैं, न भगवान किसी को मारते हैं, न किसी को डांटते हैं, अद्भुत है भगवान, अद्भुत है। अतिको में बनते भगवतो धम्मन्वय, मैंने देखा है कि अन्य धर्मों में अन्य संप्रदाय में लोग घर छोड़कर के सन्यासी बनते हैं, जिन पांच काम गुणों को छोड़ करके वो जंगल जाते हैं, तो 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष कठोर साधना करने के बाद घर छोड़ करके जिन काम भोगों को छोड़ करके इतने वर्षों तक तपस्या करते हैं, फिर वो तपश्चर्या छोड़ करके आ करके गृहस्थी जीवन में रहने लगते हैं, अपनी वंश परंपरा को अपनी वंशावली बढ़ाने लगते हैं, पत्नी के साथ रहते हैं। इसके विपरीत जब मैं देखता हूँ कि भगवान की जो श्रावक संघ हैं, एक बार जिन्होंने घर छोड़ा तो मुक्ति के पथ पे चलने लगता है, दोबारा कभी लौट करके गृहस्थी की तरफ नहीं आता। ये सब कारण है भगवान, जिसकी वजह से मुझे आपके प्रति बड़ा गहरा अन्वय है, बड़ा गहरा संबंध है। इसलिए मैं आपके चरणों में गिरता हूँ, माथा रखता हूँ, आपके पैरों को चूमता हूँ। भगवान मुझे आशीर्वाद करें, भगवान मेरे मंगल की कामना करें, भगवान ने आशीर्वाद दिया। ऐसे हुआ करता था ये धरती पे, इसी धरती पे। और आज ये सभा देख करके बड़ा ही मुदित हो रहा हूँ, बड़ा ही प्रसन्न हो रहा हूँ, बड़ी कृतज्ञता परम पूज्य भंते जी ने मुझे मेरे जैसे तुच्छ बनते को, छोटे बनते को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आप लोगों को कुछ दो शब्द बोलने के लिए कहा। बस मैं इतना ही कहूंगा कि भगवान के इस प्रज्ञा वाले धर्म को प्रज्ञा से समझें, बुद्धि से समझें। ये कोई बुद्धि विलास का, वाणी विलास का वो जाल नहीं है, खेल नहीं है कि आप खेलते रहें, ये मैथमेटिक नहीं है कि आप इसे लगाते रहें, ये उत्तर आएगा, ये उत्तर आएगा, ये जीने का मार्ग है। इसे अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन को सुंदर सरल बनाएं। इन्हीं सब वचनों के साथ अंततः भगवान को प्रणाम करते हैं।